तो क्या अंडरटेकर रेसल करेंगे वन मोर मैच? 4 बिलियन डोर्स अभी भी हैं ओपन WWE के अंदर, क्योंकि AEW का एक क्रैंक सुपरस्टार आज आया था WWE की हॉल ऑफ फेम सेरेमनी के अंदर। और क्या फीड ब्रे वाइट जो है वो कर सकते हैं अपना रिटर्न रेसलमेनिया के अंदर या फिर रॉ ऑफ के रेसलमेनिया के अंदर? हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं रानिश बर्ग सेवन एक्सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट, और आज सबसे पहले मैं बात करूंगा अंडरटेकर की हॉल ऑफ फेम इंडक्शन के ऊपर। और जिस तरीके से अंडरटेकर को हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट किया गया है, मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई भी और पास्ट में, चाहे वो कोई लेजेंड हो, अंडरे द जायंट, हॉक होगन, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन या फिर एज, किसी भी लेजेंड को इस तरह ओवेशन, स्कैंग ओवेशन जिस तरह आज WWE के यूनिवर्स ने अंडरटेकर को दिया है, शायद ही किसी और हॉल ऑफ फेमर को मिला हो या फिर आने वाले टाइम में किसी और हॉल ऑफ फेमर को मिले। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंडरटेकर ने अपना लास्ट मैच रेसल किया था रेसलमेनिया 36 के अंदर, बोन यार्ड मैच अगेंस्ट एजे स्टाइल, और ये मैच एक तरीके का प्रोमो मैच था क्योंकि कोविड की वजह से ऑडियंस इन्वॉल्व नहीं थी। और फिर सर्वाइवर सीरीज 2020 के अंदर जब अंडरटेकर ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी थंडरडोम के अंदर, तब भी क्राउड इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी। तो आज जब हॉल ऑफ फेम इंडक्शन के अंदर अंडरटेकर ने अपनी एंट्रेंस दी, तो क्राउड का रिएक्शन एकदम अलग ही लेवल का था। और जिस तरह अंडरटेकर को स्कैंगिंग ओवेशन मिली थी क्राउड की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि शायद आने वाले टाइम में किसी भी WWE के सुपरस्टार या लेजेंड को इस तरह की ओवेशन WWE के यूनिवर्स की तरफ से मिले। 50 मिनट्स की अंडरटेकर की ये हॉल ऑफ फेम स्पीच थी। विंस मैकमैन ने अंडरटेकर को इंट्रोड्यूस किया था रिंग के अंदर, और तकरीबन आप ये कह लें कि 5 से 10 मिनट तो क्राउड की तरफ से स्कैंगिंग ओवेशन, यू डिजर्व इट के चांट्स ही लगते रहे थे। और अंडरटेकर उस दौरान बहुत इमोशनल हो गए थे। अंडरटेकर ने अपनी स्पीच के दौरान योकोजुना, केन, ट्रिपल एच का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ साथ अंडरटेकर की जो ये स्पीच थी वो काफ़ी हद तक, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि 1990 में जब अंडरटेकर ने डेब्यू किया था, तब से लेके अब तक पहली बार ये है कि अंडरटेकर ने ऑन कैमरा या ऑन WWE के किसी भी शो के अंदर अपना जो करेक्टर है उसको ब्रेक किया हो। एक और ख़ास बात इस हॉल ऑफ फेम सेरेमनी के दौरान ये थी कि अंडरटेकर के जो करेक्टर के गिमिक्स थे, उनको उनके जो ड्रेसेस थे अंडरटेकर के, वो 4 मुख्तलिफ ड्रेसेस जो थे वो लगाए हुए थे अंडरटेकर की ऑनर के लिए जब अंडरटेकर स्पीच कर रहे थे रिंग के अंदर। और जो मेन मोमेंट था इस सब स्पीच का, वो एंड में आया जब अंडरटेकर जो थे वो रिंग से अपनी स्पीच को एंड करके उतर रहे थे, तभी वो वापस मुड़ के देखते हैं और उनका ध्यान जो है वो अपने एक गिमिक, जो उनका आइकॉनिक गिमिक है जो कि अपने वो करियर के एंड टाइम में यूज़ कर रहे थे, उसकी तरफ जाता है। और फिर अंडरटेकर वापस रिंग में आके अपने कोट को और हैट को पहनते हैं, और फिर इस सब के दौरान वन मोर मैच के चांस भी लग रहे होते हैं, और फिर अंडरटेकर माइक के ऊपर बोलते हैं नेवर से नेवर। तो क्या अंडरटेकर एक और मैच को हिंट कर रहे हैं यहाँ, फिर वैसे ही क्राउड का मज़ा ले रहे हैं? ये चीज़ हमें डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि ये बात नहीं है कि हॉल ऑफ फेम के अंदर अगर आप इंडक्ट हो जाओ तो आप रिटायर हो जाते हो। क्योंकि अगर मैं पास में बात करूं, कर्क एंगल, गोल्डबर्ग, इवन के स्किंग, क्योंकि स्किंग ने भी अगर आप लोगों को याद होगा वो भी रेसलमेनिया 32 के अंदर जब हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट हुए थे, तो उन्होंने रिटायरमेंट अपनी हॉल ऑफ फेम की सेरेमनी के अंदर ही ली थी। और फिर उन्होंने ये कहा था कि ये गुड बाय नहीं है, मैं आप लोगों को थोड़े टाइम बाद देखूंगा। और फिर मूविंग फॉरवर्ड जब हम लोगों ने स्किंग करके देखा था 2020 के एंड के अंदर AEW के अंदर, तो ये चीज हो सकती है कि अगर अंडरटेकर फिजिकली फिट हैं तो शायद अंडरटेकर एक और मैच भी रेसल कर सकते हैं। वैसे सब के दौरान जब सेथ रॉलिंस अपने रेसलमेनिया का अपोनेंट ढूंढ रहे थे, तो ये रूमर्स भी आ रहे थे कि विंस मैकमैन जो है वो अंडरटेकर को चूज़ कर सकते हैं सेथ रॉलिंस का मिस्क्री अपोनेंट। और अगर वैसे तो ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्योंकि कोडी रोड भी गैलस के अंदर मौजूद हैं, उसी होटल के अंदर जहाँ पर WWE के सुपरस्टार जो हैं वो रेसलमेनिया के लिए मौजूद हैं। तो अगर आप लोगों को कोडी रोड की जगह अगर टेकर सेथ रॉलिंस के अपोनेंट दिखाई दें इस साल रेसलमेनिया के अंदर, तो आप लोगों को सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मजाक कर रहा हूँ, चांसेस काफ़ी ज़्यादा यही हैं कि कोडी रोड ही सेथ रॉलिंस को फेस करें, लेकिन क्योंकि ये WWE है और जिस तरीके से अंडरटेकर ने अपनी हॉल ऑफ फेम सेरेमनी को एंड किया है, तो भाई कुछ भी हो सकता है।
इसके बाद हम बात करेंगे क्या 4 बिलियन डॉलर्स अभी भी ओपन हैं WWE के अंदर दूसरी कंपनी से रिलेटेड सुपरस्टार्स के लिए, क्योंकि आज WWE की इस हॉल ऑफ फेम सेरेमनी के अंदर AEW के एक सुपरस्टार आए हुए थे और वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि एंड्राडे थे। एंड्राडे जो हैं वो शार्लेट फ्लेयर के साथ हॉल ऑफ फेम सेरेमनी में आए हुए थे। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी वजह यह है कि बाकी अगर हम क्रिस जेरिको की बात करें, जैसे कि वो भी AEW के सुपरस्टार हैं लेकिन वो स्टोन कोल्ड की वास्तव की ब्रॉडकास्ट पर आए थे, तो लेकिन क्योंकि क्रिस जेरिको का जो था वो WWE से जो एंड हुआ था, मतलब एंड नहीं, एक तरीके से जब उन्होंने WWE लीव की थी तो वो गुड टर्म पे लीव की थी। जहाँ तक एंड्राडे की बात है तो एंड्राडे जो है वो ट्विटर्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अपने WWE को छोड़ने के बाद WWE के खिलाफ बात कर चुके हैं, और ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग थी कई फैंस के लिए कि एंड्राडे जो है वो इस हॉल ऑफ फेम सेरेमनी के अंदर आए हुए थे। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि क्योंकि ट्रिपल एच भी इन रिंग करियर से हो चुके हैं ऑफिशियली, इन रिंग अपने करियर से ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं, तो जब ट्रिपल एच हॉल ऑफ फेम के अंदर अपनी मतलब हॉल ऑफ फेम सेरेमनी के अंदर एंकर कर रहे थे स्टेफनी मैकमैन के साथ, तो हमें काफ़ी ज़्यादा थैंक यू ट्रिपल एच के चैंट्स भी देखने को मिले थे। और अगर हम ये कहें कि हमें अभी से ही पता चल गया है कि नेक्स्ट ईयर हॉल ऑफ फेम 2023 का हॉल ऑफ फेमर कौन होगा, तो शायद ये बात गलत नहीं है, क्योंकि WWE अब डेफिनेटली ट्रिपल एच को भी हॉल ऑफ फेम के अंदर इंगक ज़रूर करेगी। और अब हम बात करेंगे अपनी वीडियो के आखिरी टॉपिक के ऊपर, और वो ये है कि क्या फिंग ब्रे वायंग करने वाले हैं अपना रिटर्न WWE के अंदर, क्योंकि फिंग ब्रे वायंग जो हैं वो भी इस वक्त गैलस के अंदर मौजूद हैं। और ब्रे वायंग ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर एक ट्वीट वगैरह की थी जहाँ पर उन्होंने कहा था कि मेरे से कोई भी 5 से 6 आप सवाल पूछो और मैं उसका जवाब दूंगा। ब्रे वायंग ने ये कहा था कि वो इस वक्त गैलस में, और वो जब भी क्राउड अपनी इंटरेस्ट के दौरान क्राउड का जो शोर सुनते हैं वो कभी भी भूल नहीं सकते, और वो ऐसी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते जहां वो रिंग में ना हो, वो रेसल ना करें। अपने इस इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर ब्रे वायंग ने सेथ रॉलिंस का भी जिक्र किया था, अपने हेल इन अ सेल मैच का भी जिक्र किया था। और ट्विटर के ऊपर जब ये हॉल ऑफ फेम सेरेमनी चल रही थी तो ट्विटर के ऊपर ब्रे वायंग के जो ट्वीट्स थे वो ट्रेंड कर रहे थे, सॉरी 5,000 के करीब ब्रे वायंग के हवाले से ट्वीट किए जा रहे थे और ट्रेंडिंग भी थे ब्रे वायंग। तो क्या इस सब का मतलब यह है, क्योंकि ब्रे वायंग गैलस के अंदर हैं और जिस तरीके से ब्रे वायंग ने अपने काफ़ी टाइम के बाद अपने इन रिंग करियर के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से बात की है, तो क्या हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फील्ड जो है ब्रे वायंग अपना रेसलमेनिया के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, और अगर रेसलमेनिया नहीं तो फिर क्या रॉ के ऊपर, क्योंकि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया हमेशा एक WWE का बड़ा शो रहा है, तो क्या WWE प्लान कर रही है फील्ड को रिटर्न करने के लिए। बहरहाल दोस्तों, इसके हवाले से जैसे ही मुझे लेकर इसका अपडेट मिलेगी मैं इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा। और ये थी अभी तक की रेसलिंग से जुड़ी हुई कुछ न्यू अपडेट्स, मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।